नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लालू यादव से गले मिलने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपी या दोषी कहें लालू यादव से गले मिले हैं? देखिए, भारत की राजनीति ने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जो बहुत चौंकाने वाली होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन अरविंद केजरीवाल का नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में मंच पर लालू यादव से गले मिलना, जो अरविंद केजरीवाल जिनकी पूरी राजनीति की बुनियाद ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई से खड़े तैयार हुई है, अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से उपजे अरविंद केजरीवाल, जिनके पुराने ट्वीट भी अब लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि लालू यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो इतने बड़े घोटाले के आरोपी हैं, देश इसी तरह भ्रष्टाचार में डूबा रहेगा तो कैसे देश चलेगा, और इस तरह के भावनात्मक जुमलों का हवाला देकर अगर वो जनता के विश्वास की सीढ़ियों पर चढ़कर आज सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं और उसके बाद अगर वो लालू यादव से गले मिलते हैं तो ये दुखद है। देखिए, राजनीति के लिए आपको कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, समीकरण करने पड़ते हैं, लेकिन इन सबसे परे जाकर ही तो एक वैकल्पिक राजनीति का रास्ता सुझाने का आपने भरोसा जनता को दिलाया था, उस भरोसे का क्या हुआ? मुझे लगता है कि यह तस्वीर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक यात्रा में एक बड़ा राह का रोड़ा बनकर आगे उनके सामने खड़ी होगी। आज शायद अरविंद केजरीवाल को एहसास नहीं है कि मोदी विरोध की लहर पर सवार होकर वो जिस मंच पर गए हैं और वहां जिन लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया उसके साथ साथ उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य से किस तरह का समझौता किया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक शांति भूषण ने कहा कि केजरीवाल पार्टी को खाप पंचायत की तरह चला रहे हैं। जी देखिए, शांति भूषण पहले भी पार्टी जिस तरीके से चलाई जा रही है उसको लेकर बहुत मुखर रहे हैं, लगातार कहते रहे हैं, और उससे ज्यादा पार्टी के संस्थापकों में से एक और जिनकी छवि भी देश में खासतौर पर बहुत ठीक ही रही है, योगेंद्र यादव जी, जो कि चुनाव विश्लेषक के तौर पर भी जाने जाते हैं। योगेंद्र यादव तो पार्टी से अलग ही हो गए, तो मुझे लगता है कि एक तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगातार रखते रहे हैं। जब वो कहते हैं कि पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके राजनीतिक प्रचार में सब जगह केवल अरविंद केजरीवाल के ही चित्र होते हैं, और ये बात हमने देखी जब लोकसभा चुनाव के समर में अचानक पार्टी उतर गई थी, तब मेधा पाटकर जैसा बड़ा नाम उनके पास होने के बावजूद उनकी तस्वीर कहीं नहीं थी, प्रचार का मुखौटा केवल अरविंद केजरीवाल बन के रह गए। तो जो कहा जा रहा है कि वो एक तानाशाही रवैया अपनाते हैं, व्यक्तिवादी हैं, उसमें हमें गलत कुछ नजर इसलिए नहीं आता कि हमें वो हरकतें दिखाई दे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में वो गाना गाते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, तो उस भाई में जो चारा है वो क्या चारा घोटाले के आरोपी से गले मिलने वाला है? आप हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक लालू यादव से जब इस तरीके से गले मिलते हैं, जिनको खुद अभी चुनाव लड़ने का अधिकार तक नहीं है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उसको अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा राबड़ी देवी को, क्योंकि वो अपराधी है, आरोपी है, वो जेल में जाके आया, और उस व्यक्ति के साथ जब आप मंच साझा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन सिद्धांतों से, उन मूल्यों से समझौता करते हुए नजर आते हैं जो कि आपकी पूरी राजनीति की बुनियाद है। आपने देश की जनता को बताया था कि कांग्रेस भी वही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी वही कर रही है, राजद भी वही कर रही है, और मैं ही एक ऐसा मसीहा हूं जो देश को अच्छी राजनीति की राह दिखाऊंगा, तो आपकी वो मसीहागिरी कहां गई? आपने जनता से जो लुभावने वादे किए थे कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति आप नहीं करेंगे, आपके डर के मारे तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें आने के बावजूद पहले वाली जो आपकी सरकार बनकर टूट गई थी और आप इस्तीफा देकर चल दिए थे, उस वक्त हर्षवर्धन जैसे व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से विधायकों को जोड़ने तोड़ने की कोशिश नहीं की, तो एक उस तरह का आपने नैतिक दबाव बनाया था, नैतिक बल कायम किया था, लेकिन वो नैतिक बल टूटकर बिखर जाता है जब आप इस तरह के लोगों के साथ न केवल मंच साझा करते हैं बल्कि उनसे मंच साझा करने की मजबूरी तो फिर भी समझी जा सकती है, लेकिन उनसे गलबहियां करने की जो मजबूरी है उसको मुझे नहीं लगता कि देश की जनता आसानी से भुला पाएगी। जयदीप जी, तो क्या यह माना जाए कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करते हैं या वादा करते हैं वो सिर्फ चुनावी जुमला था? देखिए, ये निश्चित तौर पर सवाल खड़ा किया जाएगा। एक तरफ तो उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपने एक मंत्री को बर्खास्त करने तक का साहस दिखाया, इस तरह से आपने अपने मंत्री को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के आरोपों को चलते बर्खास्त कर दिया, वैसे ही जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के न केवल आरोप बल्कि जेल जाना पड़ा और जिसको आपने खुद माना कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, फिर उस व्यक्ति से आपने गले क्यों? तो ये दोगलापन नजर आता है आपकी बात में। तो मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को कुछ अलग तरह का साहस, कुछ अलग तरह का उपक्रम दिखाना पड़ेगा अगर वो इस दाग को धोना चाहते हैं तो, अन्यथा देश की जनता के साथ तो एक बार और विश्वासघात हुआ माना जाएगा। यदि एक बात और, केजरीवाल अपने वादों पर कहां तक खड़े उतरे हैं? मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था, पूरी दिल्ली गंदी पड़ी है, दो बार ऐसा हुआ है कि 10-10 दिन तक दिल्ली का कचरा नहीं उठ पाया और दिल्ली
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार के बीच जंग के चलते जनता पिस रही है। दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत बुरी स्थिति है, पिछले एक डेढ़ साल में हालत ये हो गई है कि जब आपको एक जगह जाने में जहां 20 मिनट लगते थे वही दूरी तय करने में अब एक घंटा सवा घंटे का समय लग रहा है। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं, खासतौर पर सप्ताहांत के दिनों में तो लोगों के लिए सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह शाम लोग एक एक घंटा पहले अपने घरों से निकल रहे हैं। वहां की हवा इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है कि लोगों का उस हवा में सांस लेना मुश्किल है। तो इन सब बुनियादी मुद्दों पर, पानी के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़कर आए हैं और जिन पर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, मुझे लगता है कि अब उनको कुछ जमीनी काम करके दिखाना होगा। देश की जनता ने आपको अभूतपूर्व तरीके से बहुमत देकर एक मौका दिया है। 67-3 का जो बहुमत है, देश में पहले इस तरीके से ये नहीं देखा गया है किसी विधानसभा में। तो मुझे लगता है कि अब आपको बजाय कि मोदी विरोध की लहर पर सवार होकर अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के, कम से कम दिल्ली में कुछ ऐसा काम करके दिखाना होगा कि आपका ये प्रयोग आगे भी सफल हो सके। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे केजरीवाल और लालू की मुलाकात की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।